तो दोस्तों संक्षिप्त परीक्षा में आज कैसे प्रश्न आए वो सारे प्रश्न दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, ठीक है, उत्तर वाइज आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे, तो पूरा वीडियो को बाद ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग दे सकते हो यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है, और लिखा यहाँ पे दे सकते हो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगा, ठीक है। और रहमत अली चौधरी ने किस शब्द का ईजाद किया था, तो पाकिस्तान यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व देश का प्रमुख राजनीतिक संगठन आपको बताया था हमने, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तमस पुस्तक के लेखक विश्व सैनी और कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे परास्त किया था, सीतारमैया। अगला देखते हैं मुस्लिम लीग गठन 1906 ईस्वी में, औद्योगिक लो एस्क कौन सा था दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लो एस्क, तो हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। बंदरगाह से संबंधित है सागरमाला, केंद्रीय मंत्रालय, ठीक है। भारत और नेपाल के लिए कौन सी नदी है आप लोगों की यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा काली नदी, यहाँ पे राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौते के बाद किसे फांसी दी गई, सुखदेव और भगत सिंह, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है 1992 का, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के किस शहर में आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। अगला देखते हैं, यहाँ पर हंटर आयोग के एकमात्र जगत नारायण आप लोग ले सकते हो, एक भारतीय सदस्य, ठीक है। कौन सा राज्य तीन तरफ पड़ोसी देश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, चाइना मैन आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड भी आप सभी को ये सब बता चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, दुग्ध क्रांति से, ठीक है, सारे प्रश्न आपको बता चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों बने थे, और आगे की शिफ्ट आएगी तो इस चैनल पे सबसे पहले दी जाएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।